वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ब्यूटी टिप्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आज की जो मेरी वीडियो आने वाली है वो है बालों के ऊपर, क्या आप अपने बालों को खूबसूरत, मजबूत और चमकदार कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आप वो तेल ले सकते हैं जो आप अपने बालों में लगाते हैं, डाबर आमला ले सकते हैं या फिर कोकोनट का ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं या फिर जो भी आप यूज करते हैं आप वो तेल ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और यह है एलोवेरा जेल, और लेना है हमें इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल। देखिए ये इतनी सिंपल रेमेडी है कि आपको एलोवेरा जेल किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा और सरसों का तेल आपको घर में ही मिल जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। आपको इसका यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको बता दूं। आपको इसका यूज रात के समय करना है। अगर आपको कल नहाना है तो आप रात को इस ऑयल को लगा लीजिए अपने हेयर में, अच्छी तरह मसाज कर लीजिए 5 से 7 मिनट के लिए, और जब आपकी मसाज कंप्लीट हो जाए तो आप अपने हेयर को बांध कर सो जाइए, और अगले दिन आप नॉर्मल पानी से, आप याद रखिएगा आपको ठंडे पानी से वॉश नहीं करना है, आपको गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, हल्के गुनगुने पानी से अपने बालों को धोना है, और धोने के बाद आपको ना तो कोई कंडीशनर का यूज करना है ना कोई शैम्पू का यूज करना है, और आप खुद देखेंगे कि आपके बाल में एक दिन के अंदर अंदर ही इतनी अच्छी चमक और इतनी स्मूथनेस आ जाएगी कि आप देखकर ही खुश हो जाएंगे। ये जो नुस्खा है ये हमारे बालों को रिपेयर करता है, हमारे बालों में शाइनिंग लेकर आता है, हमारे डेंड्रफ को दूर करता है, और हमारे जो दुमुख बाल होते हैं ये उनको भी दूर करता है, और साथ ही साथ हमारे बालों की ग्रोथ को भी ये बढ़ाता है। ये ऐसा नुस्खा है, आप इसे हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन यूज कर सकते हैं। आपको ये जब तक करना है जब तक आपके बालों की सारी प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती और आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी नहीं हो जाती। कम से कम रेगुलर इसे आपको 4 हफ्ते या 5 हफ्ते रेगुलर इसे करना है। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।